हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज मैं आपको फ्यूजी की ड्राइव में बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और उसका कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग कैसे करते हैं वो इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो सभी पैरामीटर है वो फ्यूजी की फ्रेनिक मिनी, फ्रेनिक मेगा, फ्रेनिक मल्टी, फ्रेनिक एसी, फ्रेनिक इको, ये सभी मॉडल के लिए पैरामीटर सेम ही रहेगी और उसका कंट्रोल वायरिंग भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले F00 डेटा प्रोटेक्शन। अभी इसमें जीरो होगा तो डेटा कैन बी एडिटेड, मतलब आप ये पैरामीटर आपको चेंज करने होंगे तो इसमें आपको सबसे पहले जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ये सभी पैरामीटर चेंज कर पाओगे, वरना ये पैरामीटर आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक खास बात ये ध्यान रखना है कि ये पैरामीटर तभी चेंज होगा जब आप स्टॉप के साथ अप या डाउन की प्रेस करोगे, तभी ये चेंज होगा, वरना ये चेंज नहीं होगा ऐसे तो, ठीक है। स्टॉप के साथ ही आपको अप या डाउन की प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसमें आप जीरो रखते हैं, ठीक है, और सेव करने के लिए फंक्शन वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट F01 फ्रीक्वेंसी कमांड, मतलब आपको ड्राइव की स्पीड वेरी कहाँ से करनी है, ये से कोई पोटेंशियोमीटर से करनी है या ये पोटेंशियोमीटर से करनी है या ये अप डाउन की से करनी है, ठीक है। तो इसमें अभी, ठीक है, अभी इसमें हम जीरो करते जीरो करने से क्या होगा, कीपैड पर हमारी ये अप डाउन का बटन है वहां पर हमारी स्पीड आ गई होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, देखिए हमारी स्पीड यहाँ पर अप डाउन की से हो रही है, ठीक है। अभी सिमिलरली अभी इसमें वन करोगे तो क्या हो गया, एक्सटर्नल टर्मिनल हो जाएगा, मतलब क्या है, कोई ऐसा आपको अलग से कोई ऐसा पोटेंशियोमीटर आपका लगा है उससे आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो इसमें F02 में आपको वन करना, सॉरी F01 में आपको वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड हो जाएगी, चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसको सेव कर दिया, देखिए अभी मेरी स्पीड यहाँ से हो गई, ठीक है। और इसके लिए जो आपको कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग कहाँ पर करना है वो भी एक बार लिख लीजिए। इसमें जो 11 नंबर है ना वहाँ पर, यहाँ पर वो आपका 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। 12 नंबर आपका सेंट्रल वाला पिन रहेगा, ठीक है, और 13 नंबर वो 10 वोल्ट रहेगा। मगर मतलब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ जो 12 नंबर है ना वो आपको पॉट के सेंट्रल वाले पिन में देना है, ठीक है। अभी 4 करोगे तो क्या होगा, ये कीपैड के पोटेंशियोमीटर पर आ जाएगी आपकी स्पीड, ठीक है। अभी मैंने 4 किया है, देखिए अभी स्पीड यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर से आ गई। और एक बात ये ध्यान रखना कि ये सभी मॉडल में से जो मॉडल में ये सब पोटेंशियोमीटर होगा उसमें ये प्रोग्रामिंग हो पाएगा, ठीक है। F02 रन कमांड, मतलब आपको ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप कहाँ से करनी है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें देखते अभी जीरो करते हैं, ठीक है। जीरो मतलब क्या, कीपैड रन स्टॉप, मतलब यहाँ पर एक ग्रीन और रेड बटन रन और स्टॉप का है, वहाँ से आपकी ड्राइव ऑन ऑफ होगी, ठीक है। तो अभी जीरो करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और वन करोगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल टर्मिनल, मतलब ये जो आप नीचे से कोई आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन लगा है या कोई ऑन ऑफ की कोई स्विच लगी है जिससे आपको ड्राइव को रन कमांड, तो वहाँ पर रन कमांड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी हमने वन किया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि टू वायर मतलब कॉमन से फॉरवर्ड शॉर्ट कराओगे तो आपकी जो मोटर है वो फॉरवर्ड घूमेगी, और कॉमन और रिवर्स आप शॉर्ट कराओगे तो आपकी मोटर रिवर्स घूमेगी, यहाँ पर आपका कोई स्विच लगा है ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। तो इसको टू वायर कंट्रोलिंग हम कहते हैं, ठीक है। अभी और इसको अभी 3 वायर, मतलब आपको स्टार्ट या स्टॉप कोई रेड ग्रीन पुश बटन लगा है उससे आपको ड्राइव को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको 3 वायर ऐसा उसका कंट्रोल वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर E01 में भी 6 करना पड़ेगा। E01 में अभी 6 करोगे तभी ये 3 वायर होगा, ठीक है। ये अलग से पैरामीटर सेट करना पड़ेगा आपको, मतलब क्या है कि आपको अभी जो X1 टर्मिनल है वो हमारा प्रोग्राम हो गया एज अ होल्ड ऑन, ठीक है। मतलब हमारे जो स्टॉप के बटन में जो 2 वायर जाएंगे वो एक तो कॉमन में से जाएगा, यहाँ से कॉमन में से, और दूसरा वाला जाएगा वो X1 में से, जो स्टॉप के पुश बटन में हमारे जो 2 वायर जा रहे हैं एक कॉमन में से जाएगा और दूसरा वाला हमारे X1 में से जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको X1, ये मैन्युअली मैंने इसको NC के बटन जैसा
कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, ठीक है। अभी इसको फॉरवर्ड में जब टच कराऊंगा रन कमांड मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये जब भी आप स्टार्ट का ये बटन दबाओगे तो इसको रन कमांड मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज F03 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड में चलानी है वो ये पैरामीटर डिसाइड कर गया F03। इसमें अभी 60 है, मतलब आपकी मोटर 60x30 मतलब 1800 RPM मैक्सिमम घूमेगी, ठीक है। अभी आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, आप अगर इसमें बढ़ाओगे, मगर इसमें जो इसकी अपर लिमिट इसमें सेट की हुई है F15 में, उसके ऊपर आपकी मोटर की स्पीड नहीं जाएगी, आपको इससे भी बढ़ानी है तो इस ये पैरामीटर में भी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अभी इसमें डिफॉल्ट 17 सेट होती है, मतलब आपको 80 की स्पीड करनी है तो इसमें भी 80 करना पड़ेगा और इसमें भी 80 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेस फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितनी फ्रीक्वेंसी हर्ज लिखा है वो इस पैरामीटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज F06, ये क्या है रेटेड वोल्टेज, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितने वोल्टेज लिखे हैं वो इसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट F07, ये क्या है एक्सेलरेशन टाइम, मतलब आपकी मोटर मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड में कितनी देर में जानी चाहिए वो ये पैरामीटर डिसाइड कर गया, ठीक है। अभी इसमें 6 सेकंड सेट है। सिमिलरली डिक्लेरेशन, मतलब आपकी मोटर मैक्सिमम स्पीड से जीरो स्पीड में कितनी देर में आनी चाहिए वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। F08, इसमें भी 6 सेकंड सेट है, आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से ये दोनों टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज F09, ये क्या है टॉर्क बूस्ट, मतलब आपका कोई लोड हाई इनर्जी वाला है तो इसमें आपको टॉर्क बूस्ट उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, मगर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके एम्पियर ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ये टॉर्क बढ़ाने से आपके एम्पियर भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। F11 रेटेड करंट, मतलब आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितना एम्पियर लिखा है वो ये पैरामीटर में डालने पड़ेंगे, ठीक है, F11 में। नेक्स्ट F15, ये क्या है, ये तो मैंने बताया पहले ही आपको, जो आपकी मोटर के वो मैक्सिमम स्पीड ये तय करेगी, ठीक है, उसकी अपर लिमिट। नेक्स्ट F16, ये क्या है लोअर लिमिट, मतलब आपको मोटर को मिनिमम कितनी स्पीड में चलानी है वो F16 पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी 0 0, मतलब आपकी मोटर आप जब इसको रन कमांड दोगे तो वो 0 की स्पीड पर ही रहेगी, मतलब स्टॉप ही रहेगी। अगर आपने इसमें शायद देखिए अभी 3 किया है तो आपकी मोटर जब भी आप रन कमांड दोगे तो आपकी मोटर मिनिमम 3 की स्पीड से ही चालू हो जाए, 3 हर्ट्ज से चालू हो जाएगी, ठीक है, उससे कम स्पीड में वो नहीं चलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज H03 डेटा इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट करना है तो उसके लिए ये पैरामीटर में आपको एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोग्राम में एच उसमें H03 में जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है अभी नॉर्मल तो 0 है, 1 करोगे तो क्या होगा कि आपके जो ऑल पैरामीटर है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें 2 करोगे तो क्या होगा, सिर्फ मोटर के पैरामीटर ही फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ये भी बात ध्यान रखनी है कि आप ये पैरामीटर तभी चेंज होगा जब आपको स्टॉप के साथ अप और डाउन की प्रेस करोगे तभी ये पैरामीटर चेंज होगा, वरना ऐसे तो ये पैरामीटर चेंज नहीं होगा, ये खास आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि पहले आपको स्टॉप प्रेस करना है बाद में अप प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में ये फंक्शन प्रेस कर देना, उससे क्या रिसेट हो जाएगी, ठीक है, आपकी ड्राइव। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारी फ्यूजी के ड्राइव के बेसिक पैरामीटर और उसका कंट्रोल रनिंग वायरिंग, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी पैरामीटर में डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।